स्टैंड हुई जेएनयू का, हम लोग चला रहे हैं और खड़े हुए हैं जेएनयू के अंदर भी, जेएनयू के बाहर भी, उन लोगों को फिर से एक मंच में आना पड़ेगा। और 15 तारीख का मार्च सिर्फ जेएनयू को बचाने का मार्च नहीं है, पूरे जो डेमोक्रेसी उसको बचाने का मार्च है। और रोहित विमला का जो जिम्मेवारी हम लोग को मिला है उस मार्च में भी दिखना पड़ेगा। और ये मार्च रोहित विमला का मार्च है, इसीलिए सारे जो लोग डेमोक्रेसी में पक्ष में खड़े होते हैं उन लोगों को फिर से 15 तारीख में आना पड़ेगा। बस इसी अपील के साथ कि हम लोग फिर से डेमोक्रेसी के लिए, रोहित विमला के लिए और हमारे देश के संविधान के लिए मार्च करेंगे और हमारे जो सच का जो पक्ष है उसको हम लोग सामने लाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आप तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो जेएनयू के पक्ष में खड़े हुए हैं, डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े हुए हैं। थैंक यू। साथियों, यह देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है, इसीलिए जेएनयू एसयू ने 15 मार्च को आज़ादी के लिए मार्च का कॉल दिया है। यह मार्च है इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, यह मार्च है इस देश में विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को बचाने के लिए, यह मार्च है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच करने के लिए, यह मार्च है सेडिशन जैसे काले कानून को ख़त्म कराने के लिए, यह मार्च है इस देश में के अंदर संविधान को सही तरीके से लागू करवाने के लिए। अतः आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस मार्च में शामिल होइए। इस मार्च में शामिल होना इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, सेडिशन के चार्ज को ख़त्म किया जाए, साथ ही उमर और अनिर्बान को रिहा किया जाए और इस देश के अंदर विश्वविद्यालय के ऊपर जो हमला किया जा रहा है उन हमलों को रोका जाए और जो जस्टिस दिया जाए रोहित विमला को। और जो जिस तरीके से यह सरकार तानाशाही रवैयों को अपना रही है, इन रवैये के खिलाफ छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को और इस देश के हर एक आम आवाम को लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आप सब लोगों से अपील है कि 15 तारीख को मंडी हाउस से 2 बजे इस पीपल्स मार्च में शामिल होइए, आज़ादी के लिए इस मार्च में शामिल होइए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस मार्च में शामिल होइए, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता की रक्षा के लिए इस मार्च में शामिल होइए। इसी अपील के साथ इस मार्च में आइए और इस देश में लोकतंत्र को बचाइए। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया और उनके 8 साथियों का निलंबन वापस ले लिया गया है। जेएनयू प्रशासन ने इस बात की घोषणा 9 फरवरी की घटना की जांच के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद की है। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या है इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। जेएनयू के वाइस चांसलर सोमवार को इस रिपोर्ट पर विचार करेंगे, लेकिन कन्हैया ने उससे पहले ही जांच कमेटी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायरी करने के दौरान आप किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप इंक्वायरी कीजिए, लेकिन इंक्वायरी से पहले आपने सजा सुना दिया और 8 स्टूडेंट को आपने सस्पेंड कर दिया। ये जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन के भी खिलाफ हैं हम लोग। जेएनयू में 9 फरवरी की घटना के बाद से निलंबित चल रहे कन्हैया और उसके साथी प्रशासन पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि जांच की अंतिम रिपोर्ट से पहले 8 छात्रों के निलंबन को रद्द किया जाना चाहिए। आज जांच कमेटी की रिपोर्ट वाइस चांसलर को सौंपे जाने के तुरंत बाद प्रशासन ने कन्हैया समेत सभी 8 छात्रों के अंतरिम निलंबन को वापस लेने की घोषणा कर दी। इन 8 छात्रों को प्राथमिक जांच के आधार पर 9 फरवरी की घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया था। इसी का विरोध करते हुए ये लोग जांच कमेटी के सामने पेश भी नहीं हुए। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटी की उस जांच कमेटी के खिलाफ हो रहा है जिसने 9 फरवरी की घटना की जांच के बाद आज वाइस चांसलर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जेएनयू छात्र संघ ने इस कमेटी को गैर कानूनी बताते हुए रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। प्रोक्टोरियल बोर्ड को बाईपास करके आनन फानन में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। हमारे जो डिमांड है कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को डेमोक्रेटाइज किया जाए और फिर हम उस इंक्वायरी कमेटी में अपीयर होंगे, उसी के हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास किया गया। जब पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार का एक मसला है, ऐसे माहौल में जब भी इस तरह का कोई मसला होगा सोसाइटी के हिसाब से आपको एक रिप्रेजेंटेशन इंक्वायरी कमेटी को देना पड़ेगा।
उधर कन्हैया की इस नई रणनीति के खिलाफ एबीवीपी ने भी कमर कस ली है। एबीवीपी ने कहा है कि अगर जांच कमेटी की सिफारिशें नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। यहाँ की जो हाई लेवल इंक्वायरी जो वाइस चांसलर द्वारा गठित हुई है वो अपना काम कर रही है, और अगर वो उनके विरोध में जाएंगे तो हम विद्यार्थी परिषद एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू ऑन द बिहाफ ऑफ जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी हम इनके विरोध में जाएंगे। और ये केवल पहले से नहीं, 9 फरवरी की भारतीय घटना से जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से पूरे इस मामले में को लेके जनता को दूसरी तरफ दूसरा माहौल दिखाना चाहते हैं और पूरा प्रेशर बना रहे जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये इनकी बौखलाहट दिखाती है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कन्हैया ने वाइस चांसलर से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक वाइस चांसलर सोमवार को कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करेंगे। उनको धन्यवाद दे